of Bangalore. बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि आपसे मुलाकात करूं। आजकल हुक्म दे दिया जाता है कि वक्त से आइएगा ताकि देर से पढ़ सकिए, तो वो हुक्म पूरा कर रहा था। रोशन बेग साहब की मोहब्बतें बड़े भाई की तरह हैं। वो जो भी दोस्त इधर उधर भटक रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाएं, और जब मर्दों में ही बैठना है तो फिर चॉइस क्या करना, कहीं भी बैठ जाएं, लेकिन बैठ जाएं तो बेहतर रहेगा। जो भी दोस्त इधर उधर भटक रहे हैं, इधर जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, जो भी थोड़ा सा वक्त अब बचा है इस मुशायरे का आखिरी लम्हा, कोशिश करता हूँ कि आपके लिए भी यादगार हो सके और मैं भी कुछ सुकून का पढ़ के जा सकूँ ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ये मुशायरा मेरा ख्याल है कि थोड़े से गैप के बाद हुआ, पिछली बार इलेक्शन था, बहुत खूबसूरत हुआ था ये मुशायरा। अपने आप में हिंदुस्तान के बेहतरीन मुशायरों में से एक है। तमाम शायर इस मुशायरे का इंतज़ार करते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बड़े भाई नदीम जावेद साहब आज मेहमान खसूसी हैं। जाहिद साहब जैसी शख्सियत की सदारत है, मधु साहब बैठे हुए हैं, रहमान साहब बैठे हुए हैं। आज का दिन इस मुशायरे के लिए बहुत खूबसूरत है। अभी एक दिन पहले हमारे मुल्क को बहुत बड़ी खुशी मिली है कि विंग कमांडर अभिनंदन वापस आए हैं। हम सब उनकी वापसी का स्वागत करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। पूरा मुल्क दुआएं कर रहा था उनके लिए। मैं चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जो कुछ पिछले एक हफ्ते में घटा है इस मुल्क में, एक बहुत छोटी सी नज़्म पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं कि वहां तक पहुंचाऊं जिन चीज़ों के लिए आप मुझे पहचानते हैं, मुझे प्यार करते हैं। सीधे सीधे शुरू करता हूं, फिर आप अगर उस मूड में आ गए तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि फिर वो सब सुना सकूं जिसके लिए जाना पहचाना जाता हूं। पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में। जरा सा सुन के बताइएगा, मैं बिल्कुल थोड़ा सा अपना तेवर बदल के वो सब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं जो पिछले एक हफ्ते से आपके जहन में चल रहा है। आप उसे बोलना चाहते हैं, आप उसे कहना चाहते हैं, लेकिन शायद वो कह नहीं पा रहे हैं। मैं कहने की कोशिश करता हूं कि अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में, सीना ताने खड़े रहे जो जाकर पाकिस्तान में। जरा सा जुड़िएगा, मुझे जिंदगी दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मौजूद है बेंगलोर। बेंगलोर ही नहीं बल्कि इस मुशायरे में पूरा हिंदुस्तान मौजूद होता है। मैं जानता हूं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के लोग इस मुशायरे में आते हैं। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में, सीना ताने खड़े रहे जो जाकर पाकिस्तान में। पूरा देश सलाम कर रहा ऐसे वीर सपूत को, पूरा देश सलाम कर रहा ऐसे वीर सपूत को। साहिब तो मजबूत कर रहे लेकिन अपने बूथ को, पूरा देश सलाम कर रहा ऐसे वीर सपूत को। साहिब तो मजबूत कर रहे लेकिन अपने बूथ को। अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है, अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है, अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है। अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं, अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। के अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। अब जो कह रहा हूं उसे समझ के और सुन के बताइएगा कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। कि अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल हैं, अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्ज़ाम नहीं दे सकते हो। पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है, पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है, लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है, लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है। हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था।
आठ दिन पहले इंटेलिजेंस ने कह दिया था कि अटैक हो सकता है, कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था, एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था, कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों ठुकराया था, एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था, हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने, हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने, सड़क मार्ग से सेना जाए क्यों ना मना किया तुमने, मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर, मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर, कब जिम्मे जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है, फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्म बनवा के बदला लिया जाता है साहब, कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो, कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो, हमले की खबरें आईं और तुम शूटिंग में लगे रहे, 3:15 पे अटैक होता है और दोपहर 12 बजे से 7:15 तक साहब डिस्कवरी के लिए शूट कर रहे थे। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे और ये लगे कि इस दौर का सबसे तीखा और कड़वा सच है और कोई बोलने की हिम्मत कर रहा है तो कुछ ना करें तो कम से कम मेरा साथ जरूर दें। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं, कि हमले की खबरें आईं और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आईं और तुम शूटिंग में लगे रहे, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है, फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो, हमले की खबरें आईं और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आईं और तुम शूटिंग में लगे रहे, तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे, तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे, वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था। मैंने अपनी जिंदगी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतना ठहाका मार के हंसते कभी नहीं देखा जितना प्रिंस सलमान को रिसीव करते वक्त वो हंस रहे थे, मैंने कभी नहीं देखा, और वो भी अटैक के महज 4-5 दिन बाद। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि एक जो बेहिसी है उसे उजागर करने की हिम्मत की एक शायर ने तो मुझे आपका साथ मिले। मैं पढ़ता हूं, कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे, वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था, देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में, देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, झूठे आंसू और झूठी बेहिसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेबसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेबसी कहां से लाते हो, तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है। अगला मिसरा सच लगे तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनका भी हाथ खुले, मैं कसम देता हूं आपको कि तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है,
सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है, सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है। झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो। तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है, सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है। और आखिरी के चार मिसरे यहां से पीछे तक, जिन्हें लगता है कि उनकी तालियों का शोर, उनकी दुआएं मुझ तक नहीं पहुंचेंगी, आप मुझे दुआ देके बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। इधर जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब, कि तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है, सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है। एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है, और 50 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है, और 50 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है। कि अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है। कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है, और 50 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है। आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले बर्बाद का गम, जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम, जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम, जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम। अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में, सीना ताने खड़े रहे जो जाकर पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, ये मेरा फर्ज था जो मैं निभाने की कोशिश कर रहा था। आप बहुत देर से इस मुशायरे को सुन रहे हैं, मुझे पता है थक भी चुके हैं। अगली सफ़ों में इस शहर के बड़े ज़िम्मेदार लोग बैठे हैं, बड़े मोतबर लोग बैठे हैं, ये बड़ी खामोशी से इस मुशायरे को सुन रहे हैं। बड़े लोग हैं, ज़्यादातर काम खुद नहीं करते, नौकर रखते हैं, दाद वाद देने के लिए भी हो सकता है घर पे नौकर वोकर रख रखते हों। थोड़ा सा उनकी भी शिरकत हो, कोशिश करता हूँ कि ये जो थोड़े से मतलब वक्त के लिए मैं आपके सामने हूँ, इसे बहुत खूबसूरत बना सकूँ। रोशन बेग साहब और रुमान बेग साहब की बहुत मेहनतों के बाद ये मुशायरा सचता है। और एक बात, पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी मुशायरे और कवि सम्मेलन हुआ करते हैं, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि मुशायरे बड़ी भीड़ के हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ी भीड़ के मुशायरे हो सकते हैं, ज़्यादा फहरिश्त अच्छी हो सकती है शोरा की, लेकिन जितना खूबसूरत मुशायरा रोशन बेग साहब सजाते हैं, जो स्टेज बनता है, और जितनी खूबसूरत जगह मुशायरा करते हैं, उतना खूबसूरत मुशायरा हिंदुस्तान में और कहीं नहीं होता, ये एक सच्चाई है, इसे तस्लीम करने में कोई परहेज नहीं है, एक ज़रूरी सच्चाई है जिसे कबूल किया जाए। बहुत खूबसूरत महफिल है, बहुत प्यारी महफिल है, मैं कोशिश करता हूँ एक आध नज़्म आपको और सुनाऊँ। जी उस्ताद। शोर दहशत फजाओं की चीखें सुनो, शोर दहशत फजाओं की चीखें सुनो, खून में डूबी दुआओं की चीखें सुनो। थोड़ी देर मुझे मन दीजिएगा। अभिनंदन के शोर में टीआरपी खोर मीडिया ने ऐसा इवेंट रचा कि जो 5 बाकी पायलट मारे गए थे
उनकी लाशों को कंधा देने के लिए भी उनके परिवार और सेना के कुछ अफसरान के अलावा शायद कोई रहा भी ना हो। एक इवेंट में बदलती जा रही हैं चीजें इस दौर में, लेकिन उन माओं की चीखें सुनने के लिए शायद कोई तैयार नहीं है। मैं आया हूं मिलकर के एक माँ से, मेरे पड़ोस में जहां नदीम भाई का घर है जौनपुर, वहां से कुछ ही दूरी पर, कुछ सौ किलोमीटर की दूरी पर चंदौली में एक बेटा शहीद हुआ था, अवधेश कुमार। उनकी माँ को कैंसर था। जब मुझे पता चला तो मैंने ऐलान किया कि मैं उस माँ का जो इलाज होगा वो करवाऊंगा। तो मैं उस माँ से मिलने के लिए जब गया था और मैं उस माँ के पास बैठ करके जब उस माँ को गले से लगा करके बस इतना कह रहा था कि इमरान भी अवधेश की तरह है, इमरान को भी अवधेश ही समझिएगा, तो उस माँ की जो घुटी हुई चीखें थी शायद उसे ढाल सका हूँ इस नज्म में, तो मुझे दुआ दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर वो सब सुनाने की कोशिश करूंगा जो मुशायरे के लिए जरूरी है। कि शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। पिछले एक हफ्ते में 61 से ज्यादा जवान कुर्बान हुए हैं हमारे, 2 मिग हमारे हवाई जहाज जो लड़ाकू जहाज हैं वो गिर गए, हमारा पायलट पकड़ा गया और हम ही जश्न भी मना रहे हैं साहब। ये जो इवेंट में बदल देने की हर कोशिश है उसको नज्म में ढालता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। कि शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो, वो जवान जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माँओं की चीखें सुनो। शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो, वो जवान जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माँओं की चीखें सुनो। माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। उस माँ ने रोते रोते कहा, मैं तो आखिरी वक्त में बेटे को देख भी नहीं सकी, जिस्म कहाँ आया था, सिर्फ वर्दी आई थी, मैं एक बंद पढ़ता हूं, मेरे दर्द के एहसास तक पहुंच सकिएगा तो मुझे दुआ दीजिएगा। माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले, खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले, माँ ने बेटा जवां कर वतन को दिया, माँ ने बेटा जवां कर वतन को दिया, अब वो बेटे का चिथड़ा बदन कैसे ले, अब वो बेटे का चिथड़ा बदन कैसे ले, माँ को दौलत न पैसा न घर चाहिए, माँ को दौलत न पैसा न घर चाहिए, उसको सरकार से कुछ अगर चाहिए,
अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। बेसिक आलम यह साहब के पूरे हिंदुस्तान में पोस्टर लग गए, शहीदों की शहादत को सलाम करते हुए पोस्टर लगवाए गए, और उसमें कहीं भी किसी शहीद का कोई जिक्र नहीं है, सारे नेताओं के पोस्टर लगे हुए, फोटोज लगी हुई हैं। अब तो साड़ियां प्रिंटेड होके आज बाजार में आ गई, सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। तब मैं एक बंद पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं साहब। मां को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। मैं मुखातिब हूं दिल्ली से साहब, के ताजिरों की तरह मत हुकूमत करो, अपनी कुर्सी से यूं ना मुहब्बत करो। ताजिरों की तरह मत हुकूमत करो, अपनी कुर्सी से यूं ना मोहब्बत करो। बख्श दो फौजियों के तो परिवार को, बख्श दो फौजियों के तो परिवार को, इनकी लाशों पे तो ना सियासत करो, इनकी लाशों पे तो ना सियासत करो। ताजिरों की तरह मत हुकूमत करो, अपनी कुर्सी से यूं ना मोहब्बत करो। बख्श दो फौजियों के तो परिवार को, इनकी लाशों पे तो ना सियासत करो। अब हमें इस दुआ में असर चाहिए, माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। हूँ मैं डूबी फजाओं की चीखें सुनो, शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक आखिर में एक नज़्म सुनाता हूँ आपको, ये बहुत ज़रूरी था, मेरे दिल से जुड़ी हुई नज़्म थी, मैं पढ़ना चाह रहा था इसे। अजब सी बेहिसी है, उनका दामन नम नहीं होता। इधर पूरा मुल्क जो है वो विंग कमांडर अभिनंदन के लिए हाथ उठा के दुआएं कर रहा होता है, और उधर साहेब जो है वो खेलो इंडिया नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे होते हैं। इधर दुआएं होती रहती हैं, उधर साहेब मेरा बूथ सबसे मजबूत कर रहे होते हैं। ऐसे वक्त में अजब सी बेहिसी है, उनका दामन नम नहीं होता, कि उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाते थे, उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। क्या कहना उन्हें है? वा, वा, अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। मैं ऐसे वक्त में खड़ा हूं जब अपोजिशन बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल चुप है, वो सोच रहा है कि क्या बोला जाए। यहाँ बड़े बड़े लीडरान बैठे हैं कांग्रेस पार्टी से और तमाम दीगर अपोजिशन पार्टियों से। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं साहब, कि अगर रेड लाइट हो और उसे क्रॉस कर दिया जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है। मेरी बात को बहुत संजीदगी से सुनिएगा जितने भी अहम लीडर्स बैठे हैं, कि अगर रेड लाइट हो और उसे क्रॉस कर दिया जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन अगर ग्रीन लाइट हो और उस पर ना आगे बढ़ा जाए तब भी एक्सीडेंट हो जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा। अगर ये सोच करके कि नहीं साहब ये तो ऐसी शातिराना चाल है कि हम क्या करें, इसमें कैसे बोलें, वहां तो आईटी सेल वाले छूटे हुए हैं। पिछले दिनों तो ऐसा लग रहा था कि पानी बंद कर देंगे, पड़ोसी मुल्क प्यास से मर जाएगा, तो मुझे लगा कि साहब टीवी चैनलों पे खबरें फ्लैश हो गई, तो मुझे लगा कि पानी पीने के पड़ोसी मुल्क के लिए तो दो ही साधन थे, एक गदर फिल्म में सन्नी देओल ने उखाड़ लिया था, दूसरा पानी रोक करके इधर बंद कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पे इस तरह कचरा परोसा जाता है, और जो मीडिया ने रोल प्ले किया है पिछले 3-4 दिन में इस मुल्क में, खुदा बचाए इस मुल्क को, खास तौर से मीडिया से बचाए। मैं इस दुआ के साथ
विटनेस में पढ़ता हूँ, जो माहौल बनाया गया, जो माहौल, हम सारी शक वाली नजरें हमारी तरफ, मैं तो इस माइक पर खड़ा होकर के दुआ के तौर पे एक नज्म पढ़ता हूँ। रोशन बेग साहब का शुक्रिया कि इस मुशायरे का आगाज किया तो नेशनल एंथम से किया, 2 मिनट का मौन रखवाया उन शहीदों के लिए, एक मुशायरा जिसे बदल दिया शहीदों की श्रद्धांजलि के प्रोग्राम में। इस मुशायरे में शुरुआत हुई खूबसूरत तरानों के साथ, ये मुशायरा अपनी बुलंदी तक चढ़ा है। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ जो मेरा दर्द है, जो मेरे दिल की टीस है। मैं दुआ के तौर पे, मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, मैं एक नज्म पढ़ता हूँ साहब, और ये मेरी दुआ है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। थोड़ी देर शामिल हो जाइएगा, मैं जानता हूँ आपने बहुत दाद दी है, बहुत मेहनत करके इस मुशायरे में आपने सुना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा, मैं बड़ा हंगामों में पढ़ने का आदी हूँ, बेंगलोर जो है वो मुल्क की दशा और दिशा तय करता है, आज इस मुशायरे को भी एक यादगार मुशायरा बना दीजिए। और रोशन बेग साहब के लिए भी ख़ास तौर से मेरी ये दुआ है कि बहुत वक्त दे लिया इन्होंने कर्नाटक की सियासत को, अब इन्हें दिल्ली भेजिए, कब तक इन्हें यहाँ बिठाए रखिएगा, अब ये दिल्ली जाएं, दिल्ली को इनकी ज़रूरत है। और इधर रुमान साहब नया खून जो है वो आए और ये वाली गद्दी संभाले और इन्हें दिल्ली भेजिए, बड़ी ज़रूरत है दिल्ली को। आपने मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाई है, आपका शुक्रिया, जिंदाबाद। चलिए, मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं बड़े बुजुर्गों की आवाज़ से आवाज़ तो मिलाऊंगा ही, सहारा दूंगा इंशाल्लाह। आपकी आवाज़ जहाँ मुझे लगेगा कि थोड़ी और ज़ोर से चीख करके जानी चाहिए, मैं वहाँ अपनी आवाज़ मिला दूंगा इंशाल्लाह। एक नज़्म पढ़ता हूँ और दुआ मांगता हूँ साहब आपसे कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। किससे सलामत रखना, यह आप सब जानते हैं, मैं नज्म पढ़ रहा हूँ। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। अच्छा। वा, वा, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पहला बंद इस नज्म का, ये जो कुछ चारों तरफ बिखरी हुई नफरतें हैं उन्हें समेट के एक बंद पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया वा, वा, हुआ है। वाह वाह वाह, अरे कमजोर ताली में सुनना, ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आप थक गए हैं मुझे ऐसा लग रहा है, 1:45 बजने वाले हैं 1:30 बजने वाले हैं, तो इतनी जल्दी तो नहीं थकता है ये शहर, मैंने सुना है कि सुबह के 4-4 बजे तक जागता रहता है ये शहर। आप थके हुए लगेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, आपको क्या लगता है इस नफरत वाले माहौल में ये सब पढ़ पाना बहुत आसान सा है? नहीं, शायद आपकी दुआओं की ताकत है, आपकी तालियों का शोर है जो हिम्मत देता है, जो ताकत देता है, वरना बड़ा मुश्किल है साहब। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं बगावत करने की हिम्मत करता हूँ, आप मेरा साथ देके मुझे बताएं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन
मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूँ साहब, क्रिकेट मैच हो रहा हो या इन दिनों तो जंग का माहौल सा ही बना दिया गया, ऐसे वक्त में जब भी आप अपना सोशल प्लेटफॉर्म का इनबॉक्स चेक करें तो लंबी चौड़ी गालियों की एक फहरिश्त होती है कि साहब अच्छा मुझे तो खास तौर से कि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है तो ये लो तुम्हारे तोहफे में ये गालियां, तुम्हारे तोहफे में ये गालियां। एक ने तो अभी परसों मैसेज किया कि तुम तो उन्हीं की तरफ होगे। ये वो सवाल है जो हर दिन हमें आपको सुनने पड़ते हैं। मेरे पास जवाब में कहने को बहुत कुछ था लेकिन मैंने पलट के जवाब में सिर्फ एक तस्वीर भेजी कि हिंदुस्तान का एक कोई आम सा मुसलमान है, वो हज करने गया हुआ है, खाना काबा के सामने खड़ा है और उसके हाथों में तिरंगा है। मैंने बस इनबॉक्स में पलट के वह तस्वीर भेजी और उससे कहा कि मेरे भाई हमने तो हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगते हो, हमने तो ऐसी ऐसी जगहों पे तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। मैं एकदम पढ़ता हूँ और आपसे दुआ मांगती हूँ कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है। रहमान साहब, नासिर साहब, ये तमाम बड़े लोग यहाँ बैठे हैं इस महफिल में। मैं पढ़ता हूँ ये बंद कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगले दो मिसरे पे एक एक हाथ को कसम, और ये तालियां पूरी रोशन भाई के दामन तक जाए क्योंकि आज इन्हीं की मेहनतों से ये मुशायरा सजा है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। क्या कहना है, जिंदाबाद मियां जिंदाबाद। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। शुक्र है कि आप लोग रह गए हैं वरना डाइस तो बिल्कुल खाली ही हो गया है। चलिए ये भी अच्छा ही है, अच्छा ही है। मैं भी चाहता हूं कि मेरे और आपके बीच में कोई ना ही रह जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, नहीं, सदर साहब मौजूद हैं, खादी मौजूद है, बानिए मुशायरा रोशन बेग साहब मौजूद हैं। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सुनने के लिए ये हज़ारों लोग मौजूद हैं। नहीं नहीं, मंसूर भाई मौजूद हैं तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के मुशायरों का जो की जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे मौजूद है। बाकी कोई रहे ना रहे मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है, ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना। वाह वाह वाह। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूँ साहब, मुझसे कहा जाता है कि इमरान शायरी तो बड़ी मोहब्बत की जबान है, बड़ी मीठी जबान है, इतने कड़वे क्यों हो जाते हो, इतना तीखा क्यों बोलने लगते हो, और एक हुकूमत और एक ख़ास पार्टी के खिलाफ इतने हमलावर क्यों हो जाते हो। क्यों हो जाता हूँ कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि क्यों हो जाता हूँ इतना गुस्सा। कुछ बड़े तो कहते हैं मोहब्बत के शेर पढ़ा करो, तुम्हारी तो उम्र भी है, तुम पे सूट भी करता है। लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि मोहब्बत के अशआर कहूँ, लेकिन फिर जब मैं अपने आस पास नजीब की माँ की चीखें सुनता हूँ,
जब मैं पहलू खान की 85 साल की बूढ़ी माँ की चीखें सुनता हूँ, जब मैं रोहित वेमुला की माँ की चीखें सुनता हूँ, तो मुझसे नहीं कहे जाते मोहब्बत पर शेर, मुझसे कहा जाता है माँ के भीगे हुए आंचल पर, माँ के भीगे हुए दामन पर मुझे नज्म कहनी पड़ती है। मैं क्यों कहता हूँ, मैं मुझे याद है मैं 7वीं में पढ़ता था, 6वीं में मेरे साथ मेरा एक दोस्त पढ़ता था, उसका नाम था श्रीकांत मिश्रा। हम दोनों साथ स्कूल पढ़ने जाया करते थे, 12 किलोमीटर मेरा स्कूल था, हम दोनों साथ एक साइकिल से जाते थे 6 किलोमीटर, वो चलाता था 6 किलोमीटर में। मैं थोड़ा चालाक था तो कभी कभी मेरे हिस्से की भी साइकिल उसे चलानी पड़ती थी। हम दोनों कभी कभी स्कूल छोड़ देते थे और क्रिकेट खेलने भाग जाया करते थे। अब्बू को पता चलता था तो तलाश शुरू होती थी और पकड़ने के बाद पिटाई होती थी, तो जितने थप्पड़ मेरे हिस्से में आते थे मेरे अब्बू उतने ही थप्पड़ श्रीकांत को भी मारते थे, या कभी श्रीकांत के पिताजी पकड़ लेते थे तो जितने थप्पड़ उसको मारते थे उतने ही मुझे भी मारते थे। लेकिन आज अगर मेरे अब्बू एक थप्पड़ श्रीकांत को या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ मुझे मार दें, तो वो थप्पड़ कब हिंदू मुसलमान बन जाएगा कोई जान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। ये नुकसान किया है एक खास विचारधारा ने, एक खास आइडियोलॉजी ने इस मुल्क का ये नुकसान किया है, इसलिए शायद उनके खिलाफ मैं ये बंद पढ़ता हूँ कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है तुमने, भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है तुमने, भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। क्या सच्चाइयां, बहुत शुक्रिया, क्या हकीकत, बहुत शुक्रिया। एक उन्माद फैलाया गया है, एक एक माहौल बनाया गया है, नफरतों की एक दुनिया खड़ी की गई है। सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अगर अब चुप रहे तो आने वाली नस्लों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा, ये एक सच्चाई है। मैं हिम्मत करता हूँ, लोग कहते थे मत बोला करो परेशान हो जाओगे, तब मैं उनसे कहता था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है तुमने, भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है, मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। ऐसी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आखिरी बंद पढ़ता हूँ साहब इस नज्म का। तमाम ट्रेवल एजेंट निकल आए हैं तो वो केंद्रीय मंत्री, लेकिन उनका काम दूसरा जो है वो ट्रेवल एजेंसी का है, और सिर्फ एक मुल्क का टिकट देते हैं वो पाकिस्तान का, ये पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ, ये पकड़ो पाकिस्तान चले जाओ। कभी कभी मैं सोचता हूँ भाई अमेरिका वगैरह का दो तो आदमी सोचे भी, नरक में कौन जाएगा। मैं एक बंद पढ़ता हूँ ऐसे तमाम चेहरों के नाम के, नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। तैयार रहना बेंगलोर वालों, मैं चाहता हूं कि आपकी तालियों का शोर पूरे पंडाल में गूंजे, आसमान भर के तालियां बजे आपकी जो मैं कहने जा रहा हूं कि नफरतों तिरपाल चले जाओ तुम,
बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम, हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। बहुत शुक्रिया। नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम, हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मैं आऊं जाऊं अपनी मार्केट वैल्यू चेक करूं, मुझे पता है कि आप सुनना चाहते हैं, और मैं भी सुनाने के लिए तकरीबन 1500-2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके आपके बीच में आया हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि आखिर में एक आध नज़्म आपको और सुना दूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, कूंचियाँ लेकर के और ब्रश और पेंट लेके लोग घूम रहे हैं कि बस किसी तरह ये नाम बदल दो, वो नाम बदल दो। हम बड़े मुश्किल दौर में जी रहे हैं, लेकिन जीना तो है साहब, बोलना तो है साहब, हिम्मत तो करनी है साहब। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैं कर्नाटक में खड़ा होकर एक बात कहता हूँ, ज़रा सा आप बिखरे तो बिखरने का नुकसान आपने भी देखा कि बिखरने का नुकसान क्या होता है। हम उत्तर प्रदेश वालों ने तो बहुत करीब से इस बात को महसूस किया। नदीम जावेद साहब बैठे हैं, माइनॉरिटी सेल के नेशनल चेयरमैन हैं, बड़ा काम कर रहे हैं इन दिनों, और एक राहुल जी ने उन पर जो यकीन जताया है उसके लिए उन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि माइनॉरिटी सेल और अच्छा काम करेगा, जिस तरह वो चमकते हैं, जिस तरह उनमें एनर्जी है, उसी तरह से इस सेल को आगे ले जाएंगे। हम दुआ करते हैं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं साहब जब चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल सी होती जा रही हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि अपनी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी, अपना काम तो करना पड़ेगा। ये जो शहरों के नाम बदलने वाले लोग हैं उनसे कहना पड़ेगा कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे, तुम्हारे फैसले बिल्कुल हैं बेबुनियाद बोलेंगे। ये मेरा कलेजा है जो मैं हिम्मत कर रहा हूं, आप मेरी बात पे मुहर लगा के बताइएगा कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे। सियासी नारे भी अलग अलग हैं साहब। नदीम भाई, कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया चौकीदार चोर है, भाजपा ने दिया मोदी है तो मुमकिन है। बस दोनों नारों को आप एकजुट कर लीजिएगा, बस चीजें लम्हा भर में कैसे जुड़ जाती हैं तो क्या से क्या हो जाती हैं। मैं पढ़ता हूं और दुआ मांगता हूं कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे, तुम्हारे फैसले बिल्कुल हैं बे बुनियाद बोलेंगे, मिटा दो नाम कागज से दिलों पर फिर भी लिखा है इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे, इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे। तीन स्टेट का इलेक्शन हुआ साहब, हारे तो ऐसे हारे कि सोच भी नहीं पा रहे हैं कि कैसे हारे। और कर्नाटक वालों आपको तो सलाम करता हूं कि आप तो इतना तड़पा तड़पा के परेशान करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। मतलब पूरे देश ने हराया, पूरे देश में अलग अलग स्टेट में हारे, लेकिन जो कर्नाटक ने धड़कने रोकी हैं, जो सांसें रोकी हैं, वो शायद हिंदुस्तान का कोई स्टेट नहीं कर पाएगा। मतलब हालत ये हो गई कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही हेड विकेट होना पड़ा। सलाम है कर्नाटक को, ऐसी जगह खड़ा हूं। मैं एक दिन सोच रहा था कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये सब जो अभी ताज़ा ताज़ा तीन स्टेट के इलेक्शन हुए, उसके बाद नए नए ड्रामे खड़े किए जा रहे हैं। तब चार मिसरे पढ़ता हूं कि हार गए सारे चालाक मुबारक हो,
नफरत होने लगी हलाक मुबारक हो। तैयार रहिएगा, मैं थोड़ी देर मुशायरे के मूड में हूँ। के हार गए सारे चालाक मुबारक हो, नफरत होने लगी हलाक मुबारक हो। राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, एमपी से, बीजेपी को तीन तलाक मुबारक हो। बीजेपी को तीन तलाक मुबारक हो। बीजेपी को तीन तलाक मुबारक हो। एक दिन मैं बहुत सोच रहा था कि आखिर हारे क्यों, सब कुछ तो उनके फेवर में था, सारे ग्राउंड पे उनके लोग काम कर रहे थे, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें भी की जा रही थी, लेकिन फिर क्यों हारे। फिर मुझे याद आया साहब कि पिछले 25-30 साल से एक बड़े सीधे साधे देवता हैं, बड़े सीधे साधे भगवान हैं, राम जी, उनके नाम पे वोट मांगा जा रहा था। इस बार एक बड़े मतलब गुस्से वाले देवता को छेड़ दिया इन्होंने। अब मेरे चार मिसरे सुनेगा कि भक्त जनों ने डाल दिया है नेताओं को शंका में। भक्त गणों ने डाल दिया है नेताओं को शंका में। 2019 कैसे जीतेंगे इस आशंका में। दलित बताकर हनुमान को छेड़ रहे थे योगी जी। अब अगर अगला बता रहे, दलित बताकर पवन पुत्र को छेड़ रहे थे योगी जी। हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में। हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में। हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। कुछ लोग, दो चार लोग हैं जो मसलसल चले ही जा रहे हैं, पता नहीं निकल के कहाँ जा रहे हैं। इन्हीं की तरह एक साहब को डॉक्टर साहब के यहाँ जब इलाज के लिए गए तो उन्होंने बताया, डॉक्टर साहब मुझे डायबिटिक हूँ मैं, बड़ी दिक्कत होती है, कुछ खाने पीने में बड़ी दुश्वारी होती है, क्या करूँ, क्या दवा लूँ। तो डॉक्टर साहब ने कुछ दवाएँ दी और फिर प्रिकॉशन में कहा कि साहब ये मत खाइएगा, ये मत खाइएगा, और एक काम ये भी करिए कि रोज जो है वो 2 किलोमीटर पैदल चलिए। डॉक्टर साहब से नुस्खा लेकर के निकल गए। 1 साल बाद डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, बोले डॉक्टर साहब मैं वो पेशेंट हूँ जिसको आपने बताया था कि रोज़ 2 किलोमीटर पैदल चलो। तो डॉक्टर साहब ने कहा भैया 1 साल बाद फ़ोन कर रहे हो? बोले हाँ साहब, रोज़ 2 किलोमीटर पैदल चलते चलते मैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पर आ गया हूँ, लौट आऊँ या आगे निकल जाऊँ। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें अपनी रफ्तार में ही काम करना है, डॉक्टर साहब से एक बार मशवरा लेना है, फिर अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीना है। यहाँ बड़ी तादाद में ख़वातीन बैठी हैं, बड़ा खूबसूरत ये मुशायरा हुआ करता है साहब। अच्छा, कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग में लगे हैं, व्हाट्सएप पे चैट, यहाँ बैठ के भी चैटिंग में लगे हैं। रात के 2 बजे न जाने किससे चैट करना पड़ रहा है, कौन सी मजबूरी है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, और वो सोशल वो भी मुशायरे में बैठ कर। सोशल मीडिया ने ज़िंदगी को बड़ा अजाब कर रखा है साहब। भाई एक भाभी जी सुबह सुबह बिफरी पड़ी थी अपनी सहेली से, बोली इस व्हाट्सएप ने जीना अजाब कर दिया है, मेरा बेटा स्कूल नहीं जा पा रहा इसकी वजह से। तो भाभी जी ने पड़ोसन से जब ये कहा तो पड़ोसन ने कहा भाई ऐसा क्या हो गया, व्हाट्सएप ने क्या कर दिया? बोले 3 दिन पहले जो है वो स्कूल के लिए निकला था तो आधे घंटे लेट हो गया, स्कूल नहीं पहुंचा, तो मेरे शौहर जो है वो घबरा गए, तो उन्होंने एक ग्रुप में उसकी फ़ोटो डाली और लिखा कि ये मेरा बेटा मिसिंग है, जिसे भी मिल जाए उसे घर ला के छोड़ दे। बोले उस दिन तो कोई पहुंचा गया, उस दिन के बाद से हर दिन कोई ना कोई फॉरवर्ड कर देता है, जब स्कूल के लिए निकलता है लोग पकड़ के ला के घर छोड़ देते हैं। तो अजाब कर दिया व्हाट्सएप ने जिंदगी को। तो ये सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में क्या कचरा हमारे जहन तक आ रहा है, हमें कुछ इल्म भी नहीं है, और इसने लोगों को मुहैया करवा दिया, इनबॉक्स मुहैया करवा दिया कि जो करना हो करो। आप आज यहाँ खड़े हो तो किसी की गालियाँ आपके दामन में आएंगी, कल किसी मशायरे में खड़े हो तो कोई और गाली देगा। मुझसे तो कहा जाता है अच्छा साहब तुम तो कभी कांग्रेस के मंच पे खड़े हो, कभी फला के मंच पे खड़े हो, कभी यूपी में फला के मंच पे खड़े हो, टीएमसी के मंच पे बंगाल में खड़े हो, तुम अपना स्टैंड क्लियर करो। मैं तो बस इतना कहता हूँ कि इस मुल्क में फासिस्ट ताकतों के खिलाफ जो जो ताकतें खड़ी हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनके कदम से मिला के कदम खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा, यही मेरी जिम्मेदारी है इस दौर की। हम कहाँ
कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। मंजूर भाई सुनिएगा, अच्छी नजर सुनाता हूँ। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हमके तूफान पे कोई कसीदा लिखे, इससे बेहतर है कश्ती भंवर में रहे। वा, 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 वा। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। मेरे बड़े बुजुर्ग शायर कहते हैं, वो तो आंसू बेचता है, वो तो दर्द गा करके ये करता है, पैसे बहुत लेता है। रोशन भाई, मैं यहाँ आने से पहले मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और मैं अवधेश कुमार के घर गया, पूरी शायर बिरादरी की तरफ से गया, और उस कैंसर पीड़ित माँ को अपनी तरफ से 1,00,000 रुपए देते हुए कहा, मैंने कहा माँ अपना इलाज करवाइएगा, जो जरूरत पड़ेगी मुशायरे से कमा कमा के कोशिश करूंगा कि आपका इलाज और करा सकूं और खर्च कर सकूं। अगर जो कुछ कर रहा हूं इसमें जो ईमानदारी है, अगर उसे उसके एहसास तक पहुंचेगा तो मुझे बताइएगा। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा, जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं, जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं, तब तलक हर कलम दो पहर में रहे। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। मुल्क का मौजूदा माहौल और मेरा आखिरी बंद, के एक हो जाइए कोई चारा नहीं, जालिमों की हुकूमत दोबारा नहीं। एक हो जाइए कोई चारा नहीं, जालिमों की हुकूमत दोबारा नहीं। सच का जुगनू अकेला बहुत है, मगर झूठ का कोई सूरज गवारा नहीं। झूठ का कोई सूरज गवारा नहीं, भीड़ का कोई चेहरा नहीं मिल सका, भीड़ का कोई चेहरा नहीं मिल सका। बस हमारे जनाजे खबर में रहे, हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। बहुत शुक्रिया। और आखिरी में जाते जाते ये चार चार मिसरे दो पढ़ के जाता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ, और आपसे दुआ मांगते हुए यहाँ से अपना सफ़र ख़त्म करता हूँ। मैं तो फ़कीर हूँ, मैं झोला उठा के चल दूँगा साहब,
भाइयों बहनों, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, मैं तो ये कह के जा रहा हूं कि ये धुएं की लकीर मत बेचो, यार लफ्ज़े फकीर मत बेचो। मेरी हिम्मत के लिए मेरा दामन भर के विदा करना कि यार लफ्ज़े फकीर मत बेचो, ये धुएं की लकीर मत बेचो। मोदी जी आपसे गुजारिश है, मोदी जी आपसे गुजारिश है, चाय बेचो जमीर मत बेचो, चाय बेचो जमीर मत बेचो। विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी, और मुझे मेरे चार मिसरे याद आ गए बड़े पुराने, जो पिछले 24 घंटे सोशल मीडिया पे बहुत वायरल रहे, मैं वो पढ़ता हूं साहब। के दायरे में सिमट के आया है, जिस समय बाघा बॉर्डर से वो अपना पहला कदम हिंदुस्तान की जमीन पर अभिनंदन साहब रख रहे थे, उस वक्त लग रहा था कि हाँ कोई सच्चा हिंदुस्तानी खून है जो हमारी मिट्टी पर अपने कदम रख रहा है। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे तो मुझे दुआ दे के बताना। के दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। मैं कुछ महीने बचे हैं जब आपको फिर एक बार जमहूरी निज़ाम के तहत दिल्ली की गद्दी के लिए लोग चुनने हैं। मैं आपसे इतना कह के जाता हूं साहब कि बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया, अजीम बादशाह सिकंदर यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद सिकंदर शाम को जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, देखा पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन आगे बढ़ा तो देखता क्या है कि एक फकीर जो है बेखुद होकर के, बेसुद होकर के सड़क के किनारे सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और फकीर के पास जाकर के उसे लात मार के जगाते हुए कहा कि बादशाह ने शहर फतेह कर लिया है, पूरा शहर जश्न मना रहा है और फकीर तू बेखबर सो रहा है। फकीर ने उन्हीं दी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और सिकंदर की तरफ देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। वाह वाह, क्या इंसानों की दुनिया में खुदा के लिए इतनी कमी हो गई थी कि उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले वक्त में जब ईवीएम की कतार में खड़े होइएगा तो इस बात को याद रखिएगा कि आपका ईवीएम जो है वो गलत जगह दबेगा तो 5 साल फिर लात खाने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा। इन दुआओं के साथ आपसे विदा लेता हुआ बस इतना कहता हूँ कि बहुत ऐसा वक्त है कि बहुत संभल के, बहुत हिकमत के साथ, बहुत सलीके से काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। जी जी, आप एक आध नज़्म की फरमाइश जो आप कहें मैं वो सुना देता हूँ। अच्छा, मदरसा के लिए हुक्म है आपका, मैं जी जी मैं सुना देता हूँ। मैं आइए थोड़ा सा मूड में आ जाइए, थोड़ी हल्की फुल्की चुनावी बातें हो गई हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कर दूँ। जो लोग अभी रात के 2 बजे जा रहे हैं वो उनके लिए खतरा बता दूं कि घर जा कर के सोती हुई शेरनी को जगाने पे मार खाने का भी खतरा रहता है, तो बेहतर होगा कि यहीं वक्त गुजार लें तो अच्छा है। पता नहीं वहाँ जाने के बाद आपका क्या हश्र हो, यहाँ कम से कम बचे तो रहेंगे, तो बेहतर है कि थोड़ी देर और बैठ जाएं, जो 25-30 मिनट और या आधे घंटे का वक्त हमारे आपके दामन में आ रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि उसे बेहतर बना सकूँ। मैं
एक नज़्म सुनाता हूँ साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। के खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया। खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया। काले धन की बातें करके आँख से काजल चुरा ले गया। जरा सा जुड़िए, जो दो चार दस पचास लोग चले गए उनके हिस्से की भी दाद आप ही को देनी है। मैं पढ़ता हूँ साहब। के खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया। काले धन की बातें करके आँख से काजल चुरा ले गया। जिधर देखिए उधर शोर है, जिधर देखिए उधर शोर है। तेरी ओर है मेरी ओर है, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, मेरा चौकीदार चोर है। मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप पहुंच जाएंगे, आप बहुत समझदार लोग हैं। मैं जो कह रहा हूं आप सब समझ रहे हैं। मैं पढ़ता हूं साहब। मेरा चौकीदार चोर है, खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया। आज इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कह रहे थे कि रफाल होता तो अभिनंदन को इस तरह से दुश्मन के हाथ में पकड़ ना आते अभिनंदन। कांग्रेस पार्टी तो 126 रफाल मंगा रही थी उसी पैसे में, आप तो सिर्फ 36 पे अटक गए हैं साहब। तब मैं ये बंद पढ़ता हूँ। खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया। काले धन की बातें करके आँख से काजल चुरा ले गया। जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, मेरा चौकीदार चोर है। मेरा चौकीदार चोर है। के उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है। नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है। उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है। रुपये के क्यों दाम गिर गए, ये सवाल भी खो जाएंगे। शहरों के बस नाम बदल दो, लंदन पेरिस हो जाएंगे। के राष्ट्रवाद की काट मलाई, राष्ट्रवाद की काट मलाई। राष्ट्रवाद में बड़ा जोर है, मेरा चौकीदार चोर है। मेरा चौकीदार चोर है। आप सवाल नहीं पूछ सकते कि आप तो कहते थे कि काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी नोट बंद कर देने के बाद, ये हो जाएगा, इतना रोजगार मिलेगा। राजस्थान में चार दोस्त ट्रेन की पटरी के किनारे किनारे टहल रहे थे, नौकरी बेरोजगार थे। मायूसी का आलम यह था कि चारों एक साथ ट्रेन के आगे कूद गए। के भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया। अगले दो मिसरे पे तैयार रहिएगा। भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया। नई नस्ल ने जितवाया था, उनकी ही नौकरी खा गया। हर हाथ को काम दिया है उन्होंने, इसमें कोई दोरा नहीं। व्हाट्सएप ग्रुपों में काम दिया है, फेसबुक पर फेक आईडी बना करके प्रोपेगंडा फैलाने का काम दिया है। वह एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आपको पता है फेसबुक पे मेरी 15 फेक आईडी है। तो बाप ने कहा अरे 15 फेक आईडी क्या करते हो? बोला मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूं, जो भी उनके बारे में कुछ इधर उधर बोलता है मैं उसे अलग अलग फेक आईडी से गालियां देता हूं। तो बाप ने कहा ये बात तू मुझे क्यों बता रहा है? तो
तो बेटे ने कहा वो पिछले डेढ़ महीने से जो आप कोमल भाभी नाम की एक आईडी से चैट कर रहे हैं वो दरअसल मैं ही हूँ। ये काम दिया है साहब के भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया, नई नस्ल ने जितवाया था उनकी ही नौकरी खा गया, मेहुल नीरो विजय मालिया जैसों के तो ऐश हो गए, 2014 के जितने चेक थे सारे कैश हो गए, अंबानी के हाथों में अब साहेब जी की बागडोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। मुझको मीजाने अदब ही पे न तौला करिए मंसूर भाई, मुझको मीजाने अदब ही पे न तौला करिए, मैं जो बोलूं तो मेरे साथ में बोला करिए, मैं तो हालात से समझौता नहीं कर सकता, कोई तब्दीली मैं इकलौता नहीं कर सकता, इतनी फुर्सत कहां के मीर पे कुछ गौर करूं, जो भी करना है उसे छोड़ के कुछ और करूं, मैं किसी हूर के ख्वाबों में नहीं आ सकता, चीख हूं और किताबों में नहीं आ सकता, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आप इस तरह से साथ देते हैं तो हिम्मत हो जाती है पढ़ने की, बहुत बहुत अच्छा सुना है आपने। आखिर में जाते जाते एक नज़्म आज के इस मशायरे के मकसद के तहत पढ़ता हूँ। कल मुझे मेरे हाथ एक वीडियो लगी, सोनू निगम साहब ने 2.5 मिनट के एक वीडियो में बहुत सलीके से बातें रखी, बहुत अच्छा बोला उन्होंने, तो मुझे लगा कि बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ है उनका, बड़ा दिल बदला है उनका, वरना पिछले दिनों आपको याद होगा वो भी जुमला के, नहीं साहब कान की परतें जो हैं वो दुखने लगती हैं, नींद में खलल पड़ता है अजान की आवाज़ से, मैं यहाँ खड़ा हूँ बेंगलोर वालों आपके सामने, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, बड़े जरदार लोग हैं सियासी तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, और हर तरह से अल्लाह ने आपको नवाजा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ बहुत मकसद के तहत, आखिर में एक नज्म पढ़ता हूँ, आपका एहतराम आपकी इज्जत सलाम आपको, आपने एक नज़ीर पेश करी है और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि आप शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की रियासत के लोग हैं। वाह वाह, वो जो विरासत में आपको एक चीज मिली है आप उसे निभाते हैं, मैं सलाम करता हूं आपको। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि सच की पहचान बन कर जियो तो सही। क्या मैं साउथ में खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं ना आपके बारे में, हमारे उत्तर प्रदेश में मंसूर भाई समझते हैं, नदीम भाई समझते हैं इस चीज को, साउथ वालों के बारे में एक चीज बड़ी मशहूर है कि वहां का आदमी कैसा भी हो लेकिन ईमानदार बहुत होता है, ये एक बात पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारे यहाँ तमाम IAS IPS अलग अलग जिलों में पोस्टेड है, जब किसी जिले में कोई साउथ का IAS IPS आ जाता है तो आम चर्चा होती है गांव-गांव कि यार साउथ से आया है, ईमानदार होगा, किसी दबाव में काम नहीं करेगा। ये जो आपके बारे में पूरे हिंदुस्तान में खासतौर से उत्तर भारत में एक सोच बनी हुई है, इसे बचा के रखिएगा, ये आपकी पूंजी है, ये आपकी कमाई है, कि सच की पहचान बन कर जियो तो सही, तुम निगहबान बन कर जियो तो सही, तुम निगहबान बन कर जियो तो सही, ये जमाना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बन कर जियो तो सही, तुम मुसलमान बन कर जियो तो सही। पूरे हिंदुस्तान के लिए इस मशायरे से एक पैगाम, सुबह चाय की दुकानों पे बैठिएगा तो यह तबसरा मत करिएगा कि मंसूर साहब ने बहुत अच्छी निजामत करी, राहत साहब ने बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए, इमरान ने ऐसी ऐसी नज़में पढ़ी, इन 4 मिसरों को जहन में रखिएगा और इस पर तबसरा करिएगा कि इस तरह हौसले आजमाया करो,
क्या अच्छा है मिश्रा, वाह वाह। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। मैं जानता हूं ये दाद देने के मिसरे नहीं है, लेकिन मुझे बंगलोर की समातों पे बड़ा भरोसा है, मैं पढ़ता हूं, मेरे दिल से निकली हुई बात है, मैं जानता हूं आप मुहर लगाएंगे। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, दोनी वाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। आखिर में एक नज़्म पढ़ता हूँ, बहुत खूबसूरत मशारा है ये, जाहिद साहब जैसी बड़ी शख्सियत की निजामत है, जिन्होंने सहाफत के लिए अपना खून पसीना बहाया, खुद से सींचा है इस अखबार को, सियासत अखबार को, उनकी सदारत है। रोशन बेग साहब की मोहब्बतों से सजी है महफिल, रोमान का नया खून, इस नई जो एनर्जी है वह इस मुशायरे की बेहतरी में शामिल है। नासिर साहब बैठे हैं, रहमान साहब बैठे हैं, मधु भाई बैठे हैं, ये जो खूबसूरत गुलदस्ता है, नदीम भाई बैठे हुए हैं। मैं इलाहाबाद से आता हूँ, इलाहाबाद में दो नदियाँ मिलती हैं, गंगा और जमुना, वहाँ संगम होता है। लेकिन जिसे आज की रात तहजीबों का संगम देखना हो, अदब का संगम देखना हो, मजहबों का संगम देखना हो, वो बेंगलोर के बेंगलोर पैलेस में चला आए। आज असल में संगम हिंदुस्तान का वो यहाँ पर हो रहा है। मैं यहाँ खड़ा होकर के एक नज्म सुनाता हूँ साहब, आखिरी नज्म है, आखिरी के पाँच मिनट, थोड़ा सा एनर्जी जुटा लीजिएगा और लगे कि आपने इस मशारे को मुशारा बना करके ख़त्म किया। सोनू निगम साहब ने कहा कि नहीं साहब, आप प्रोपेगंडे में मत फंसिए, ये मत करिए, लेकिन उनका पिछला बयान भी याद है जब उन्होंने कहा कि अजान से कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, सुनेगा कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, तैयार रहना, जहां है वहीं खड़े हो जाइए थोड़ी देर, कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। ऐसे से लोग निकल आए जिन्हें कुछ भी बोल देना है। आजकल तो अभी परसों बाबा रामदेव ने कहा कि जंग हो ही जानी चाहिए, तो मैंने उनको मैसेज किया कि साहब सबसे पहले तो सलवार पहन के आप ही भागोगे, बस आप चढ़ा रहे हो कि जंग हो ही जाना चाहिए, पुलिस की एक लाठी देके भाग लेते हो, जंग हो जाना चाहिए, जंग हो जाना चाहिए। ये जो नए नए लोग निकल आए हैं जो तय कर रहे हैं आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, और आजकल तो कुछ ऐसे भी निकल आए जो तय कर रहे हैं कि आपको कितना करना है, नए नए लोग निकल आए, कोई नहीं, कल समझ में आएगा, कुछ बातें कल समझ में आती हैं, आप कल भी हंस सकते हैं, कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत यह आएगी कि जब आप अकेले बैठ के तनाव कहीं हंसेंगे तो आपको खुद पे और हंसी आएगी कि यार इमरान ने रात में एक बात कही थी 2:15 बजे, अभी समझ में आई, तो आप वहाँ भी हंस सकते हैं, कोई दुश्वारी नहीं है। ऐसे से लोग निकले हैं साहब, ऐसे दौर में जब कोई ये कहता है कि अजान से नींद में खलल पड़ रहा है, तो मुझे याद आता है कि मैं इलाहाबाद से हूँ, मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पे बहुत सारे मंदिर हैं, नदीम भाई जौनपुर से हैं, वहाँ भी यही कल्चर है, यही तहजीब है, हम सब रात के 4 बजे 5 बजे घर लौटते हैं, थके हुए, नींद में डूबे हुए, और जब सोने का वक्त होता है वही लम्हा है जब मंदिरों में भजन शुरू होता है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ खड़ा होकर कहता हूँ कि आज तक किसी भी वक्त किसी भी मंदिर से निकलने वाले भजन की आवाज ने मेरी नींद में कभी कोई खलल नहीं डाला। यही हिंदुस्तान है, यही वह हिंदुस्तान है जहां मस्जिद से निकलने वाले अजान से किसी की नींद में खलल नहीं पड़ता, मंदिर से निकलने वाले भजन से खलल नहीं पड़ता, गिरजाघर से निकलने वाले प्रेयर की आवाज से किसी की नींद नहीं टूटती, और मजे की बात यह है कि चर्च से निकलने वाले आवाज से भी जब वहां शुरू होता है प्रेयर तो उससे किसी की नींद नहीं टूटती। यही तो हिंदुस्तान है, लेकिन नए नए लोग बना दिए गए हैं साहब जो तय कर रहे हैं। तब मैं ये नज़्म पढ़ता हूँ कि कभी ना
होगी बंद अजान कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान कभी ना होगी बंद अजान कभी ना होगी बंद अजान। के लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी। सोनू, काश सोनू निगम साहब ने ये बातें कहने से पहले अपने उस्ताद मोहतरम मोहम्मद रफ़ी की उस बात को याद कर लिया होता कि वो खाने काबा में अजान देने की क्या हसरत रखते थे। सोनू निगम साहब, आपने मोहम्मद रफ़ी साहब से गाना गाने की तरकीबें तो सीखी, म्यूज़िक तो सीखी, लेकिन सलीका और संस्कार नहीं सीख पाई, एक सच्चाई है। मैं ये बंद पढ़ता हूँ साहब, के लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान कभी ना होगी बंद अजान कभी ना होगी बंद अजान होगी बंद अजान कभी ना होगी बंद अजान। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, अब तक जो कुछ पढ़ा एक तराजू पर, ये एक बंद एक तराजू पर, मेरी सांसें मेरी रगों में दौड़ता हुआ लहू मेरी धड़कनें सब कुछ इसमें शामिल है। कि जिस दिन इस दुनिया में अजान की सदा नहीं आएगी। तैयार रहना यहां से वहां तक, ईमान में हरारत पैदा हो तो मुझे बताना अपनी जिंदा दिली का सबूत देना। कि जिस दिन इस दुनिया में अजान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। वाह वाह वाह। जिस दिन इस दुनिया में अजान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। अच्छा, सोनू निगम ने जब ये कहा तो कलकत्ता में एक मौलाना साहब निकल के आए, कोई फुटकर टाइप के रहे होंगे, उन्होंने तुरंत बयान दिया मीडिया फुटेज पाने के चक्कर में कि अगर सोनू निगम कोई का कोई सर मुड़वा दे तो मैं उसे 10 लाख दूंगा। अच्छा, सोनू भी इतना बेरोजगार बेचारा, उसने कैमरा बुलवाया, नाई बुलवाया और कहा लाइव मेरा बाल मुड़ो। बाल उतरवा दिया बंदे ने, उसके बाद कहा मौलाना साहब लाओ 10 लाख। अब मौलाना साहब बगले झांकने लगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा था, मैंने तो कहा था कि गधे पे बिठा करके मुड़वाया जाए। मैं जितना सोनू निगम के बयान की मजम्मत करता हूँ उससे ज्यादा उन मौलाना साहब के बयान की मजम्मत करता हूँ। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आप अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में बैठे हैं सहाबियों के साथ, अपने साथियों के साथ, एक शख्स पहुंचता है और आपके सामने मस्जिद नबवी में पेशाब करने लगता है, आप उसे बुलाते हैं, मना करते हैं, सहाबी दौड़ते हैं मारने के लिए तो सबको मना करते हुए उसे अपने करीब बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मस्जिद अल्लाह की इबादत का घर है, पेशाब करने की जगह नहीं है। साथियों से कहते हैं इसे साफ कर दो। वो शख्स आपके कदमों में गिर पड़ता और कहता है मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। इस्लाम किसी आदिल डार के बम बांध करके किसी जगह कूद जाने का नाम नहीं है। इस्लाम तो कमांडर नसीर अहमद का नाम है जो अपने साथियों के साथ उस बड़ में चिथड़े उड़वा देता है, जिसका जन्मदिन एक दिन पहले रहता है, उसका परिवार उसे कहता है कि आज मत जाओ ड्यूटी पर, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वतन की मोहब्बत ईमान का आधा हिस्सा है, जिंदा रहूं या मर जाऊं मुझे वतन की हिफाजत के लिए जाना। इस्लाम तो इसका नाम है। इस्लाम उसका नाम नहीं है साहब जो ये फुटकर लोग इस्लाम को बदनाम करने की साजिशों में लगे और मीडिया उसे हवा में देने में लगा है। आप कहते हैं कि इस्लाम ना खून बहाने की इजाजत देता है, इन दिनों तो यह बहस और बड़ी हो गई है। मैं इस डाइस पे खड़ा होकर कहता हूं कि नहीं, इस्लाम कभी ना खून बहाने की इजाजत दे ही नहीं सकता। जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने की इजाजत ना दे वो भला ना खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। गलत लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके खिलाफ बोलने की जिम्मेदारी भी हमारी है, हमें बोलना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ।
अल्लाह के रसूल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे साहब, वो रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल्लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए हैं। ये बात हमें समझानी पड़ेगी। महेंद्र पंत साहब एक बड़े हिंदी के बड़े अच्छे राइटर हैं, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा लिखते पढ़ते हैं। उन्होंने एक जगह एक कोट लिखा था कि मुसलमानों को ये नहीं देखेगा कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है, कोई ये नहीं देखेगा कि तुम्हारी हदीसों में क्या लिखा है, कोई ये पढ़ने नहीं जाएगा, वो तुम्हें देखेगा और अंदाजा लगाएगा कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है। इसलिए इस दुनिया में अपने आप को अपनी किताबों जैसा बनाओ, जो तुम्हारी किताबों में लिखा है उसे अपने किरदार में उतारो। नहीं उतार पाओगे तो आने वाला वक्त बहुत बुरा होने जा रहा है, ये एक सच्चाई है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो नया माहौल खड़ा किया गया है इस पर आगे निकलिए। मैं सलाम करता हूं, हम आप दिखावा नहीं किया करते थे, हम आप आगे बढ़ करके चीजों में पार्टिसिपेट नहीं किया करते थे, लेकिन इस बीच मैं नई नस्ल को सलाम करता हूं जो सोशल मीडिया पर रहती भी है, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को मदरसे पे तिरंगा लेके खड़ी हो जाती है और दुनिया को बताती है कि देखो देखो हम इस वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये वतन औरंगजेब नाम के लफ्ज को गाली देता रहता है और उधर कश्मीर में औरंगजेब नाम का एक सिपाही वतन पे अपनी जान लुटा देता है। हम ऐसे ऐसे दौर में भी जी रहे हैं, हमें इस तरह के नजीर पेश करते रहने पड़ेंगे। मैं आखिरी बंद पढ़ के विदा ले रहा हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी, के अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, मेरी दुआ पे आमीन कहिएगा, के अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। बहुत शुक्रिया, बहुत